नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर जो बर्तन साफ़ करने के लिए और कपड़ा धोने के लिए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो फुल ऑफ केमिकल होने की वजह से हमारी सेहत के लिए और हमारी पर्यावरण के लिए, धरती के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी साबित हो रहे हैं। पहले अगर हम बात करें तो बर्तन किस चीज़ से साफ़ होते थे? राख या मिट्टी से साफ़ होते थे। और आज अगर हम देखें तो हर घर के अंदर कपड़ा या बर्तन साफ़ करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है? इस तरह के जो सर्फ़ है, डिटर्जेंट्स हैं, ये यूज़ हो रहे हैं। विम बार है, लिसा पोल है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले पेट की और स्किन की बीमारियाँ ज़्यादा हुआ करती थी या अब ज़्यादा हो रही है? अब ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि हर घर के अंदर यही चीज़ यूज़ हो रही है। किस तरीके से ये नुकसान पहुँचा रहे हैं तो उसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको घोल रहा हूँ और अगर आप मिक्सी में भी चलाओगे ना तो उसके बाद भी आप देखोगे कि बहुत सारे कण यहाँ पर पानी के अंदर तैर रहे हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे जो कण हैं वो नीचे पेंदे के अंदर बैठे हुए हैं। ये फिलर्स होते हैं, बाहर बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। इनका सफाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कास्टिक और सिलिकेट के कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि कपड़ों पर और बर्तनों पर चिपक करके रह जाते हैं। और रिसर्च क्या कहती है कि जब तक 22 बार साफ़ पानी से बर्तनों को और कपड़ों को साफ़ नहीं करते हैं तब तक ये पूरी तरीके से हट नहीं पाते हैं। ना तो इतना देखो हमारे पास टाइम है और ना ही इतना पानी है कि 22 बार हम साफ़ कर पाएँ। और होता क्या है, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाने पीने की जो वस्तुएँ हैं उसके साथ ये जो कण हैं वो चिपक करके हमारे पेट के अंदर जा रहे हैं। आज पेट की बीमारियाँ बढ़ रही है, लीवर के रोग बढ़ रहे हैं, किडनी के रोग बढ़ रहे हैं, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा, ये हमारी स्किन के जब संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। और वो जो केमिकल रिएक्शन करते हैं उसकी वजह से जब ये अपने जो कपड़े हैं उसके द्वारा ये क्या है कि हमारे चमड़ी के संपर्क में आते हैं। और किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर एक नेचुरल चीज़ है हल्दी, वो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। और आप यहाँ पर देखोगे कि हल्दी का जो रंग है वो होता है पीला, जबकि यहाँ पर हो गया लाल रंग। इसने क्या किया, हल्दी का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया। इसी तरीके से ये जो केमिकल है हमारे बॉडी के जो नेचुरल केमिकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। और इसी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हमें हो रही है और स्किन कैंसर होने तक का भी इससे खतरा आज बन चुका है। और इसके अलावा हमारी घर की नालियों से बह करके जब ये हमारी धरती में जाता है तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर आज नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरा, हम यहाँ पर अब अगर देखेंगे कि भी हम क्या इसका उपाय करें, क्योंकि मार्केट में अगर आप जाओगे तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उनका मकसद है प्रॉफिट कमाना। लेकिन हम जिस रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं इसका मकसद है हमारी जो हेल्थ है उसको बढ़िया करना। और उसके अंदर हमारे पास कुछ नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हुए कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए चीज़ें आ रही है। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ग्वार, पठा, नारियल, इस तरह की चीज़ों से बना हुआ है। उसको भी मैं यहाँ पर पानी के अंदर घोल रहा हूँ आपके सामने। ये चीज़ें एंजाइम बेस्ड है, नेचुरल तरीके से काम करती है। पहली बात तो पूरा पानी में घुल गया, कुछ भी इसके अंदर नुकसानदायी तत्व नहीं है जो कि अपने रेजिडुअल के रूप में रहें और बर्तनों और या कपड़ों के अंदर रह करके हमें नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। और दूसरा, यहाँ पर हम डाल रहे हैं हल्दी। और जैसे ही आपने देखा कि हल्दी डाली तो हल्दी ने जो रिएक्शन है वो हल्दी के साथ इसने नहीं किया, क्योंकि जब एक नेचुरल चीज़ से मिलती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, और जब नेचुरल चीज़ केमिकल वाली चीज़ से मिलती है तो रिएक्शन होना ही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं किया, यानी कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और हमारे पर्यावरण को, हमारे शरीर को और हमारी धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें अगर हम घर में यूज़ करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से पहले से ही बच सकते हैं। और इनके बारे में जानकारी के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें।